आज हम जानेंगे दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन के बारे में। तो क्लास शुरू होने से पहले हम करेंगे मंगलाचरण। तो सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और एक साथ नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सेथाणम, नमो आयरियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सपसाहूणम। दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन यानी कि टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल होता क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को उनकी इम्पोर्टेंस, अर्जेंसी और रेलेवेंस के अकॉर्डिंग टाइमली शेड्यूल करना। अब जानते हैं टाइम टेबल फॉलो करने के फ़ायदों के बारे में। पहला फायदा, टाइम मैनेजमेंट। यदि आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाते हैं। यदि आपका कोई भी काम टाइम पर नहीं हो पाता या आप हर बार डेडलाइन मिस कर देते हैं और ये सब काम लास्ट मिनट होने वाली प्रॉब्लम्स ये सब सॉल्व हो जाएगी। आपका सभी काम के प्रॉपर टाइम पर ख़त्म होगा और बहुत अच्छे से भी ख़त्म होगा। सेकेंड, ऑर्गेनाइज लाइफ यानी कि सिस्टमेटिक, जहाँ आपके पास सभी एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम असाइंड है, कोई भी केओस नहीं है। हमें अपना टाइम एकदम टाइट शेड्यूल नहीं करना चाहिए बल्कि प्रॉपर ब्रेक्स के साथ शेड्यूल करना चाहिए। तीसरा फायदा, इट कीप्स मोटिवेटेड। अगर आपके सभी काम सही टाइम पर पूरे हो रहे हैं और आपके पास नए कामों को करने के लिए काफ़ी टाइम भी है तो ये आपके लिए एक सक्सेस है और इस सक्सेस से कॉन्फिडेंस आता है और यही मोटिवेशन का रीज़न है। फोर्थ, इट कर्ब्स लेजीनेस। अगर हमारी लाइफ और डेली एक्टिविटीज़ सब स्मूथली चलेंगी तो लेजीनेस कैसे आएगी? आप हमेशा एनर्जेटिक ही रहेंगे, हमेशा क्यूरियस रहेंगे नई चीज़ों को करने के लिए, उनको जानने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, इट इम्प्रूव्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। हमें सभी एक्टिविटीज़ अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग करना चाहिए तो इससे फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। एक अच्छा टाइम टेबल माइंड को रिलैक्स्ड और पॉजिटिव थॉट्स को ट्रिगर करता है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। सभी काम टाइम पर होने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, टेंशन, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी ऐसे कई सारे फायदे हैं एक अच्छे टाइम टेबल को फॉलो करने से, जो हम अभी टाइम टेबल डिस्कस करते टाइम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला, सुबह उठना। तो कब उठना? सनराइज से पहले यानी कि अर्ली मॉर्निंग, 4 AM से 5 AM के बीच। ये टाइमिंग 4 to 5 के बीच वाले पीरियड को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सभी सक्सेसफुल लोग आज के टाइम में भी, जैसे मोदी जी, अक्षय कुमार, अब्दुल कलाम, अंबानी जी, ये सभी सनराइज से पहले उठते हैं। दूसरी बात, जब सनराइज होता है तो जो सन रेज होती है वो हीलिंग एनर्जी से भरी हुई होती है। तो जब हम सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी एनर्जी हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और सारी नेगेटिविटी क्लीन हो जाती है। हमारी ऑरा लेयर है वो बिल्कुल प्योर हो जाती है यानी कि हमारा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अगर हमारी मॉर्निंग का स्टार्ट ही बहुत अच्छा होगा तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। जैसे कि सुबह अगर आपका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप देखना दिन भर की एक्टिविटीज़ उन सब में आपका गुस्सा कहीं ना कहीं दिखेगा, को अच्छा नहीं फील होगा। पर यदि एक मॉर्निंग का स्टार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही माइंडफुल है तो आपका पूरा दिन माइंडफुल और उतना ही थॉटफुल जाएगा। अब उठने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी जो हमें करनी है वो है नमोकार मंत्र पढ़ना। कितनी बार पढ़ना चाहिए? 9 बार पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इससे मन शुद्ध होता है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि ठीक है ये सब तो हमने मान लिया, पर 9 ही बार क्यों पढ़ना चाहिए?
क्योंकि डिजिट 9 को प्योर कंसिडर किया जाता है। जैसे वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग जो ये 9 नंबर है, इसकी टेबल कैसी, 9 1 9, 9 2 18, तो 18 है, 1 + 8 क्या हुआ 9, 9 3 27, 2 + 7 9, तो ऐसे ही 9 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर जो इंडिविजुअल डिजिट्स हमें मिली हैं उन सबको ऐड कर दो, तो वो हमेशा 9 के बराबर ही होगी। मतलब क्या, 9 नंबर का कभी एंड नहीं होता, हमने कोई भी उस पर ऑपरेशन कर दो वो 9 ही जाएगा। और सेकेंड रीज़न ये है 9 बार पढ़ने का कि हम 9 कोटि से नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। कौन कौन सी 9 कोटियाँ, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन संभ्रम समारंभ आरंभ। मन मतलब माइंड, वचन मतलब वर्ड्स, काय मतलब बॉडी, कृत मतलब डीड्स, कार्य मतलब कमांड और अनुमोदन यानी कि अप्रेजल, संभ्रम मतलब कलेक्ट करना, समारंभ मतलब कलेक्शन का प्लान बनाना और आरंभ मतलब जो हमने कलेक्टेड स्टॉक है वो स्टॉक इकट्ठा करना, वो हो गया आरंभ। तो जब हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हम 5 परमेष्ठी कौन कौन से, अरिहंति जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी, उनको सैल्यूट करते हैं यानी कि नमस्कार करते हैं। तो ऐसा सोचना कि मैं भी आपकी ही तरह बनूं, मेरे भी कर्म नष्ट हो जाए और जाने अनजाने में मैंने मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन और संभ्रम समारंभ आरंभ से जो भी पाप किए हों मैं उनके लिए गिल्टी हूँ और मैं उन पापों के लिए अपोलोजाइज करता हूँ। इस पावरफुल महान नमोकार मंत्र को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन यानी कि थिंकिंग अबाउट आवर नेचर। हमारा नेचर मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा नेचर तो जॉली है, एंग्री है, पोलाइट है या इम्पोलाइट है, ऐसा नेचर नहीं। यहाँ नेचर मतलब ट्रू नेचर ऑफ सोल, ऐसे नेचर के बारे में सोचकर मेडिटेशन करना है। तो हाउ इज आर नेचर, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट ब्लिस एंड इनफाइनाइट कंडक्ट। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ डिफरेंट देन द बॉडी एंड वर्ड्स एंड एवरीथिंग दैट वी कैन टच या फील थ्रू आवर स्किन, टेस्ट, स्मेल, सी और हियर इज मैटर, इवन माई बॉडी इज अ मैटर एंड आई एम सोल। 4 डिस्ट्रक्टिव पैशंस एंड 5 सिंस आर इन माई नेचर, माई नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, माई लाइफ एम इज टू अकम्प्लिश द विक्ट्री ओवर दोज डिस्ट्रक्टिव पैशंस एंड सिंस, बिकॉज गेटिंग कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दिस मीन्स द अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन विच इज़ आर अल्टीमेट गोल, अर्थात मोक्ष प्राप्ति। ये 3 पॉइंट्स के बारे में सोचना, और इन 3 पॉइंट्स के अलावा जो भी हम जीव अजीव वाले लेसन में पढ़ेंगे उनके बारे में भी थिंक कर सकते हैं। और अब आप ये सोचेंगे कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले नमोकार मंत्र और अपने नेचर के बारे में मेडिटेशन क्यों करना, इससे क्या फ़ायदे हैं, और यदि ऐसा नहीं किया तो इससे क्या नुकसान होगा। पहली बात, हमारे अंदर 3 टाइप्स की डर्ट होती है जिन्हें हमें साफ करना है। पहली टाइप की डर्ट, डर्ट ऑफ बॉडी, यानी कि क्या, बॉडी वैक्स, स्वेट एक्सेट्रा, ये कैसे साफ होगी, बाय बेथिंग, ब्रशिंग एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, डर्ट ऑफ माइंड, वो क्या है, नेगेटिविटी, बैड थॉट, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब, और ये सब क्लीन कैसे होंगे, बाय मेडिटेशन। और थर्ड पॉइंट, डर्ट ऑफ सोल, ये क्या है, डेल्यूशन, परवर्जन ऑफ नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड कॉन्टैक्ट, ये कैसे साफ होगा, बाय डीप मेडिटेशन, पेनेंस एंड द अटेनमेंट ऑफ अपराइट नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड कॉन्टैक्ट।
बाहर वर्ल्ड में सभी मेडिटेशन करते हैं तो क्या सोचते हैं कि ब्रीथ्स पे कंसंट्रेशन करना है, और उससे क्या होता है कि ठीक है नेगेटिव थिंकिंग तो स्टॉप हो जाती है जिससे मन शांत हो जाता है, लेकिन सोल शुद्ध नहीं हो पाता। तो सोल को शुद्ध करने के लिए ये नेगेटिव थिंकिंग को तो स्टॉप करना ही है, पर उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, उससे सोल के ट्रू नेचर के बारे में सोचना है। ऐसा करने से ही हमें क्या अचीव होगा, प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ सोल। और सुबह ये क्यों करना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट होता है और बेस्ट टाइम पर सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल एक्टिविटी करना चाहिए। इसीलिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, और उसके बाद हमारे ट्रू नेचर के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद बारी आती है बॉडी क्लीनअप की, क्योंकि हमारी ये जो बॉडी है ये बहुत ही डर्टी है। ये तो ब्लड, बोन्स, मीट, यूरिन, स्वेट, कफ और पॉटी से भरी हुई है। इसके ऊपर स्किन की सिर्फ एक लेयर चढ़ी है, और इसी कारण से हमें इस बॉडी को डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दिन अगर बॉडी क्लीनअप करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे फिर से बॉडी से स्मेल आने लग जाती है, स्वेट आता है और वो फिर से गंदी हो जाती है। इसीलिए अपने बॉडी को रोज़ अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पास से बैड स्मेल नहीं आए, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने टीथ्स को अच्छे से ब्रश करेंगे। इसके लिए अपने टूथब्रश पर पी साइज टूथपेस्ट लीजिए और अपने मुंह में चारों ओर से घुमाएं और अच्छी तरीके से दांतों को साफ करें। फिर आप चाहें तो हफ्ते में एक बार फिटकरी यानी कि एलम या फिर सॉल्ट से भी अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है टंग क्लीनर से अपनी टंग को अच्छी तरीके से क्लीन करने की। इसके बाद बारी आती है डेली फ्रेशन अप होने की। तो हमारे लिए डेली फ्रेशन अप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम डेली फ्रेशन अप नहीं होंगे तो हम दिन भर लेथार्जिक फील करेंगे, लेजी फील करेंगे, और फ्रेश नहीं होने के कारण हमारी बॉडी में ये डर्ट एक्यूमुलेट होती जाएगी, जिसके कारण हमें बहुत सारी इलनेसेस हो सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ओबेसिटी एक्सेट्रा। अब बारी आती है बेदिंग की। बेदिंग मतलब अपने स्किन को अच्छी तरीके से वॉश करना और स्क्रब करना, सोप से या फिर घर में बनाए बेसन या चावल की स्क्रब से। इससे बॉडी में बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होगा, हमारे पास से बैड स्मेल नहीं आएगी, और हम एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करेंगे तो दूसरे लोग भी हमसे बात करना पसंद करेंगे। और अपने बालों की हाइजीन के लिए हर 4 से 5 दिनों में बालों को धोना चाहिए। इस तरह अच्छे से नहाने के बाद शुद्ध मतलब धुली हुई ड्रेस ही पहनना चाहिए। एक ही ड्रेस को 2 दिन तक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दिन भर में भी हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है, स्किन पोर्स के थ्रू डर्ट प्रोड्यूस होती है जो हमारे कपड़ों पर लग जाती है, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए एक बार की पहनी हुई ड्रेस को तुरंत धोने में डालना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमें क्लीन ड्रेस पहनकर अपने हाथों में चावल की डब्बी लेकर मंदिर जाना चाहिए और शुद्ध मन से प्रार्थना अर्थात प्रेयर करना चाहिए, और रोज भगवान जी के सामने एक डेली का छोटा सा नियम लेना चाहिए, जैसे कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और संडेस को हम रोज पूजा भी कर सकते हैं, अगर आप बॉय है तो आप प्रक्षाल भी कर सकते हैं। और हमें देव दर्शन कैसे करना, क्यों करना, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो मंदिर से लौट कर आप जब आएंगे तो ये आपका होगा ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट आपके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए।
ब्रेकफास्ट हमारा बहुत हेल्दी होना चाहिए, वरना हम पूरा दिन स्लीपी और लेजी फील करेंगे। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन विटामिन रिच डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन इसलिए बिकॉज इट टेक्स मैक्सिमम टाइम टू डाइजेस्ट, और न्यूट्रिशियस विटामिन्स जो कि फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में होते हैं ये सब खाना चाहिए, और कंपल्सरीली हमें 1 ग्लास ऑफ मिल्क लेना चाहिए। मिल्क कैसा भी हो सकता है, एनिमल बेस्ड मिल्क, फिर कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, कोई सा भी ले सकते हैं, और साथ में सोप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए। इससे आपका माइंड दिन भर एक्टिव रहेगा और आपका स्टमक लाइट रहेगा। जो दिन में हमें बार बार भूख लगने की प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से वो सब सॉल्व हो जाएगी। आफ्टर दिस माइंडफुल मॉर्निंग रूटीन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग आवर माइंड सोल एंड बॉडी, देन प्यूरिफाइंग आवर इंटेंशन बाय प्रेइंग इन द टेंपल, एंड देन फीडिंग आवर माइंड सोल एंड बॉडी विद पॉजिटिविटी, एंड देन हैविंग अ हेल्दी न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट, नाउ इट्स टाइम टू ग्रैब योर बिलोंगिंग्स एंड गो टू स्कूल। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे स्कूल से आने के बाद वाला टाइम टेबल। इस वीडियो के एंड होने से पहले स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्लैश होंगे, ये जानने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। तो आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ए है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पास में ए लिखेंगे। ऐसे ही 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चन के आंसर्स लिखे कमेंट सेक्शन में भेजें। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। जय जय।